अब मेरा एक सवाल पेशेंट से, पेशेंट आप बीमार हैं, आपको डायबिटीज है, किडनी फेलियर है, हार्ट डिजीज है, हाइपरटेंशन है, बॉडी में दर्द रहता है, कौन जिम्मेदार है? क्या वो डॉक्टर जिम्मेदार है? जब डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है तो आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं ठीक करने के लिए अपने आप को? आप बोलेंगे डॉक्टर के पास नॉलेज है इसलिए हम जाते हैं। अच्छा आप ईमानदारी से बताइए, मान लीजिए अंधेरे में आपकी कोई चीज खो जाती है, आपकी चाबी खो जाती है, तो आप कैसे ढूंढेंगे? क्या आप उजाले में जाके ढूंढेंगे या उजाले को अंधेरे में लेके आएंगे? बोलने का मतलब यह है, यू डोंट नीड मेडिकेशन, यू जस्ट नीड एजुकेशन। आप बोलेंगे कि भाई मुझे किडनी डायलिसिस के लिए जाना है, बॉडी में वाटर रिटेंशन हो चुका है, आई एम वेरी अनकंफर्टेबल, ऐसे में आप हमें ध्यान दे रहे हैं। देखिए हमारे बॉडी में ऐसे इमरजेंसी सिस्टम्स हैं जिसे हम कहते हैं ऑटो डायलिसिस, जिसे आप स्विच ऑन करते हैं तो आपको डायलिसिस की जाने की जरूरत ना पड़े। आप बोलेंगे कि मेरे टेम्परेचर है 104 डिग्री फरनहाइट और ऐसे में मुझसे रहा नहीं जा रहा, मुझे तो अभी भी डॉक्टर के पास जाना है, इसी वक्त मुझे हॉस्पिटल केयर चाहिए। देखिए आपके बॉडी में होमोस्टेसिस सिस्टम भी है और जो कुछ घंटे के अंदर ही बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल में ला सकती है, सिर्फ उसको सीखने और इम्प्लीमेंट करने वाली बात है। फिर से आपको स्टमक पेन है तो कुछ समय की बात होती है, आप खुद ही अपने बॉडी में कुछ ऐसी चीजों को एक्टिवेट कर सकते हैं जिससे अपने आप ही आप पेन से रिकवर कर सकते हैं, और उसको सीखने के लिए बहुत समय की जरूरत नहीं। आप जरा सोचिए, यहाँ से किसी भी हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर को अपनी बात बताएंगे, वो दवा लेंगे, फिर सिम्टोमेटिक कुछ रिलीफ अगर मिलेगा भी तो कितना टाइम लग जाएगा, 1 घंटा 2 घंटा तो लगेगा ना। मैं आपको बोलता हूँ सिर्फ मुझे कुछ मिनट दीजिए, 5 मिनट दीजिए, मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसे आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं, हाउ यू कैन हेल्प योर सेल्फ। मैंने एक आंकड़ा निकाला है कि करीब इंसान 62 तरीके से बीमार पड़ता है, 99% जो कारण होता है हॉस्पिटल जाने का वो उन 62 तरीकों में के से बीमार पड़ने के अंदर ही है, जिसमें कैंसर है, किडनी फेलियर है, या फिर हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, या हाई टेम्परेचर है। सो कुल मिला के देर आर जस्ट, या वायरल फीवर है, जस्ट 62 तरीके हैं जिससे, जिसकी वजह से 62 वजह है जिसकी वजह से इंसान को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। That covers 99% of the reason why you go to the hospital. सिर्फ इमरजेंसी में, एक्सीडेंटल केस में जहां हड्डी टूट जाती है या ब्लड लॉस होता है, यही वाले केस है जहां पे आपको ट्रू सेंस में हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़नी चाहिए। बाकी सारी चीज आप घर पे मैनेज कर सकते हैं, इमीडिएटली मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेज करना है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, गिव मी जस्ट 5 मिनट्स टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन हेल्प योर सेल्फ। देखिए इसको मैं समझाऊंगा आपको 3 स्टेजेस में, Stage 1, Stage 2, Stage 3। Stage 1 इसे आप कहते हैं, इसे हम कहेंगे DIP डाइट, एक खास तरह का डाइट। द मोमेंट यू आर ऑन दिस डाइट, इमीडिएटली आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में आने लगता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आने लगता है, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल में आने लगता है, बॉडी के जितने भी होमोस्टेसिस हैं वो धीरे धीरे रिकवर करने लगते हैं। ये डाइट क्या है ये मैं अभी बता देता हूँ, लेकिन डाइट के पीछे का साइंस क्या है ये आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाएंगे तो वो साइंस समझने के लिए उस लिंक पे जाके आप कुछ रिसर्च पेपर या वीडियोस देख के समझ सकते हैं। फिलहाल DIP डाइट कुछ ऐसा होता है, Step 1, 12 बजे तक जो भी आप खाएं सिर्फ वो फ्रूट्स होना चाहिए, 3 से 4 तरह के फ्रूट्स। कितने खाने हैं इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी वेट। लेट्स से मेरा बॉडी वेट है 70 kg, 70 kg इनटू 10 दैट इज 700 grams और मोर ऑफ फ्रूट्स, 3 to 4 काइंड ऑफ फ्रूट्स, वो कोई भी फ्रूट हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ फल खाना है 12 बजे तक, यानी कि कुछ और नहीं लेना है, ब्रेड नहीं लेना है, पराठे नहीं लेने, रोटी नहीं लेना, चाय नहीं लेना, बिस्किट नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ फल 12 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ फल। और अब आता है लंच, लंच में या डिनर में जब भी आप बैठेंगे दैट बिकम Step 2। सो आप 2 प्लेट लेके बैठेंगे, Plate 1 and Plate 2। Plate 2 में आपको वही सब कुछ रखना है जो आप रोज खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल एक्सेट्रा जितना रखना रखिए, लेकिन उससे पहले आपको Plate 1 फिनिश करना है। Plate 1 क्या है, 3 to 4 काइंड ऑफ वेजिटेबल विच यू थिंक यू कैन ईट इन रॉ, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, जो आप कच्चा खा पाए ऐसे वेजिटेबल चुन लीजिए 3 से 4 तरह के। एंड कितना खाना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके बॉडी वेट के अनुसार। मेरा बॉडी वेट 70 kg × 5 यानी कि 350 grams या ज्यादा। सो अपने बॉडी वेट के अनुसार आप कैलकुलेट कर लीजिए एंड दैट बिकम्स योर Plate 1। Plate 1 खत्म करने के बाद ही यू आर अलाउड टू हैव Plate 2। Plate 2 जितना भी चाहे आप खा सकते हैं। सो लंच जब भी करें और डिनर जब भी करें Plate 1, Plate 2 सिस्टम से करें। और तीसरी बात, थर्ड स्टेप, स्टॉप ओनली 2 थिंग्स। 1, नो एनिमल फूड। एनिमल फूड का मतलब नो चिकन, नो फिश, नो एग एंड इवन नो डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स भी एनिमल फूड ही तो हुआ,
दूध दही लस्सी मक्खन घी पनीर छाछ स्टॉप. एंड सेकेंड थिंग इज नो पैक्ड एंड रिफाइंड फूड, नो बिस्किट नो ब्रेड एक्सेट्रा. अगर ऐसा आप कर पाए सो विद इन द 72 आवर्स यू विल बी फोर्स टू स्टॉप दैट डायबिटीज मेडिकेशन, यू विल बी फोर्स टू रिड्यूस द इंसुलिन विच करेंटली यू आर टेकिंग, या विद इन 7 डेज योर ब्लड प्रेशर विल स्टार्ट कमिंग टू नॉर्मल, राइट. सो कई सारे बदलाव आपको पहले 72 आवर्स में दिख जाएंगे द मोमेंट यू स्टार्ट दिस व्हाट आई कॉल एज डीआईपी डाइट. ये है स्टेज वन. अब चलते हैं स्टेज टू में, डिजीज स्पेसिफिक रेमेडी. डिजीज स्पेसिफिक रेमेडी, देयर आर जस्ट 62 वेज यू कैन बी इल, राइट. फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको फीवर हो गया तो क्या करना है, तो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे इसको इसमें आप फीवर को ढूंढिए और फीवर में आप देखिए क्या एक्स्ट्रा करना है इस डीआईपी डाइट के अलावा. तो एक्स्ट्रा इज सिट्रस फ्रूट्स एंड कोकोनट वाटर. जैसे आपको फीवर का पहला इंडिकेशन आएगा, अगर आप दिन भर में कई बार सिट्रस फ्रूट एंड कोकोनट वाटर लेंगे तो आपका टेम्परेचर 101 डिग्री से ज्यादा जाएगा ही नहीं, और विद इन 3 डेज योर टेम्परेचर विल कम टू नॉर्मल. और 3 दिन तो लगते हैं बॉडी को वायरल इन्फेक्शन से आजादी पाने में. ठीक इसी तरह से अगर आपको स्टमक इन्फेक्शन है या आपको बॉडी में एक है, तो आप ये जो चार्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन में, इस चार्ट को ढूंढिए. चार्ट में आप देखिए कैंसर का कॉलम है, डायलिसिस का अलग जगह बना हुआ है, अर्थराइटिस की अलग जगह बनी हुई है, और उसके अंदर स्पेसिफिक रेमेडी लिखा हुआ है. और ये भी आपको पता चलेगा कि ये रेमेडी कब तक करते रहना है उस बीमारी से पूरी तरह से आजादी पाने में. सो ये आप कीजिए एंड दिस इज द श्योर शॉट एंड सेफेस्ट वे टू कम आउट ऑफ द इलनेस परमानेंटली, राइट. सो ये साइंटिफिक है और इसके पीछे का साइंस जानने के लिए जैसे मैंने बताया यू गो टू द लिंक, जो लिंक आपके स्क्रीन में फ्लैश कर रहा है, और सारा साइंस और सारा रिसर्च आपके सामने आ जाएगा. आखिर में मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ डॉक्टरों को, मेडिकल एसोसिएशंस को, कि एक पेशेंट का काम तो डॉक्टर के बिना चल जाएगा, लेकिन एक डॉक्टर का काम पेशेंट के बिना नहीं चलेगा. जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.